कैसे हो दोस्तों। बात हम करते हैं एट प्रेजेंट के सैम बहादुर के कुछ अर्ली रिव्यूज़ तो मैंने ऑलरेडी आपको दिए हैं, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ मैं आपको वो कहते हैं ना कि ट्विटर पे हो या फिर सेलिब्रिटी रिव्यूज़ हो, जितने ज़्यादा हो सके देने की कोशिश की है। इवन सबसे ज़्यादा बात ये अच्छी लगी कि जो मीडिया रिव्यूज़ है, मीडिया के भी रिव्यूज़ अच्छा है। 4 रेटिंग्स CBP न्यूज़ वालों ने भी दिया है, ये ऑफिशियल रिव्यू है उनका। उन्होंने जो कहा है, द फिल्म मेकर की तारीफ़ की है उन लोगों ने, विकी कौशल की भी की है। बहुत बड़ा उन्होंने मैसेज लिखा है। एंड बाय द वे, बाकी अगर सिर्फ एक्टर्स की बात करनी है तो अभिषेक बच्चन, सनी कौशल, इवन रश्मिका मंदाना ने एक्चुअली कॉन्ग्रेट्स किया है उनको, ऑल द बेस्ट बोला है। विकी कौशल ने भी, उनको भी ऑल द बेस्ट लिखा है, क्योंकि एनिमल भी तो आ रही है ना। सो इट्स गुड, यूनिटी दिख रही है। अभिषेक बच्चन ने भी बहुत तारीफ़ की है, प्रेज किया है विकी कौशल के एक्टिंग को बहुत ज़्यादा। कैटरीना कैफ एंड कंपनी, ऑब्वियसली उसकी वाइफ है तो उन्होंने तो देखा ही है मूवी। और यहाँ पे जो रिव्यू देखने को मिल रहा है, ABP वालों का तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, स्टैंडिंग ओवेशन। जिस तरीके से फिल्मी बीट वालों ने लिखा है कि ये फिल्म का जो विकी कौशल का जो कैरेक्टर उन्होंने जो प्ले किया, जिस तरीके से स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा इस फिल्म को, नो डाउट द फिल्म इज़ गोइंग टू रिसीव सो मच लव फ्रॉम ऑडियंस। फिल्मी बीट वालों ले लिखते हैं, फिनिश्ड वॉचिंग सैम बहादुर, आई कांट रिवील मच एज यू हैव टू वेट फॉर फुल रिव्यू, बट मार्क माई वर्ड्स, द फिल्म विल रिसीव सो मच लव फ्रॉम द ऑडियंस। विकी कौशल विल बी लिफ्टिंग ऑल द अवार्ड्स फॉर इट्स परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने, सिने हब वालों ने ये रिव्यू डाला है, फुल रिव्यू ऑन फ्राइडे। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरा भी थोड़ी देर के बाद एक क्योंकि प्रीमियर शो के टिकट्स महंगे रहते हैं, लेकिन अपना हो गया जुगाड़, तो मेरा भी शो है इसलिए इवनिंग को कोई रिव्यूज़ वगैरह नहीं दे पाऊँगा मैं। मे बी 6 से 8:30-9 बजे के बीच अगर मैं शायद ना रिव्यू दे पाऊँ, 9-10 बजे बाई चांस मैं रिव्यू तो नहीं डालूँगा, एडवांस बुकिंग की बात ज़रूर करूँगा। रिव्यू कल ही डालना ज़्यादा बेटर है, मुझे नहीं पसंद वो, भले प्रीमियर शो ही क्यों ना हो, लेकिन कल करूँगा रिव्यू, वो भी एनिमल मूवी आने देखने देखने के बाद। अर्ली शो है एनिमल का, वो होने के बाद दोनों के रिव्यूज़ में डाल दूँगा। मेरा जो एक्सपीरियंस होगा वही मैं बात करूँगा, उसमें सिर्फ मेरे रिव्यूज़ होंगे। मैं ऑनेस्टली, आपको पता है कि भाई मैं ऑनेस्टली जो सच है, जो मुझे लगता है वही मैं रिव्यूज़ देता हूँ, कैसा मुझे लगा। विकी सनी कौशल ने इनक्रेडिबल ये बोला है, विकी कौशल की बहुत तारीफ़ की है, भाई है आखिर। नहीं, इट्स नॉट अबाउट डैट भाई, सो सो प्राउड लिखा है। एंड सैम बहादुर के कैरेक्टर को, एक्चुअली मैंने जितने भी इन शॉर्ट रिव्यूज़ देखे उसमें से 70 से 80% रिव्यूज़ में यही देखने को मिला है कि वो विकी कौशल कोई भी एंगल से लगते ही नहीं, वो सैम लगते हैं। सो सैम इज़ हियर, ऐसा ही बहुत से लोगों ने हैशटैग किया है। मज़ा आ गया देख के, अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, देखते हैं, मैं अपडेट्स देता रहूँगा। आर यू एक्साइटेड फॉर सैम बहादुर, कमेंट्स में बताइए।